डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, मैं हूँ शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में धांधली के आरोप में सरकार घिरती नजर आ रही है। दरअसल साल 2019 में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 69,000 पदों पर परीक्षा कराई गई थी और उसमें आरोप इस बात का है कि आरक्षित पदों पर भर्ती में धांधली की गई, यानी नियमों में अनियमितता की गई और इसी आरोपों में घिरी सरकार लगातार अपना बचाव कर रही है। इस पूरे मामले में जब शिकायत की गई तो सरकार से पिछड़ा वर्ग आयोग ने जवाब मांगा और कहा कि 15 दिनों के भीतर सरकार अपना जवाब दाखिल करे कि 5844 पदों पर जिन पर आरक्षण दिया जाना था उसमें भर्ती में धांधलियां क्यों की गईं। 15 दिन बीत जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में कोई भी जवाब नहीं दिया है, जबकि आरोप ये है कि 5844 पदों पर जो कि आरक्षित पद थे उसमें भर्ती में धांधलियां की गई, यानी उन पदों पर जिन पर आरक्षित लोगों को भर्ती किया जाना था उनमें अनारक्षित लोगों को भर्ती किया गया, नियमों की अनदेखी की गई और आरक्षण के नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन किया गया है। दरअसल साल 2019 में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आवेदन निकाला और जनवरी के महीने में परीक्षा कराई। उसके बाद मई 2020 में इसमें परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए और कहा गया कि इन पदों पर भर्ती की जाएगी, लेकिन शिकायत शुरुआत से ही शुरू हो गई और उसमें कहा गया कि आरक्षण जिनको दिया जाना था उनको न दे करके अनारक्षित लोगों को फायदा पहुंचाया गया है और इसके लिए तमाम नियम कायदे कानून को ताक पर रखा गया है। इसको लेकर के अभ्यर्थी न सिर्फ अदालत तक पहुंचे बल्कि उन्होंने जगह जगह प्रदर्शन भी किए। प्रदर्शनों और कोर्ट में जाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि ये बिल्कुल फेयर यानी ईमानदारी से कराई गई परीक्षाएं हैं, इसलिए किसी भी तरीके की इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आरक्षित और अनारक्षित पदों पर भर्ती को लेकर के विवाद के साथ साथ इस पर कोर्ट कचहरी और प्रदर्शन का दौर चलता रहा। इसी बीच में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने शिकायत पहुंची और उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया। आयोग ने सरकार से कहा कि 15 दिनों के भीतर वो जवाब दें कि आखिरकार आरक्षण के किन नियमों का किस तरीके से पालन किया गया है और ये भी कहा गया कि जो ये आरोप लग रहे हैं कि 5844 पदों पर जो कि आरक्षित पद थे उनमें भर्ती में नियमों में गड़बड़ियां की गई हैं उस पर अपना जवाब दाखिल करें। लेकिन शुरुआत से ही इस पूरे मामले में सरकार उदासीन बनी हुई है। न तो उसने कोर्ट में अपना पक्ष बहुत साफ तौर पर रखने की कोशिश की और न ही प्रदर्शनकारियों को जवाब देना मुनासिब समझा। साथ ही साथ आयोग के सवाल पर भी उसने 15 दिन का वक्त बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 69,000 शिक्षकों की भर्ती का जो विवाद चल रहा है वो किसी अंतिम नतीजे तक पहुंचेगा, क्योंकि लगातार इसके अभ्यर्थी और पास हुए लोग इस बात के लिए दलील दे रहे हैं कि उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इसी बीच में 5844 पदों पर जो कि आरक्षित पद थे उनके लिए विवाद बढ़ता जा रहा है। अब आयोग को जवाब न देने पर आयोग किस तरह का रुख अख्तियार करता है, सरकार से क्या जवाब तलब या आगे का क्या कदम उठाता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के सरकार उदासीन रवैया अपना रही है उससे तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनमें बेहद नाराजगी है। वो आंदोलन की भी बात करते हैं और अदालत की भी बात करते हैं, लेकिन लंबी खिंच रही इस लड़ाई में लगातार आशंका इस बात की बनी हुई है कि जो लोग हैं जिनकी नाराजगी है वो सरकार के खिलाफ कोई अगला कदम भी उठा सकते हैं। तो बहरहाल आयोग को जवाब न देने पर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आयोग किस तरह का कदम उठाता है ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिन अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में अटका हुआ है वो बेहद निराश हैं और वो चाहते हैं कि सरकार इसका जल्द से जल्द निदान करे। तो उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्तियों के बीच में लटकी तलवार और तमाम विवादों पर ये थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ातरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।